हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। और अभी देखो भाई, ये देखो आप गाड़ी देखो कैसे कट जाती है। जो 10 साल जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है वो गाड़ी हमारे यहाँ पे कटने के लिए आ जाती है। तो भाई अभी सुबह सुबह का वक्त है, मैं और रवि मेरे मामा का लड़का हम लोग निकल चुके हैं महिंद्रा थार लेके। आजकल ना थार ही चलाने का मन करता है, ना जाने क्यों ऐसी रफ एंड टफ सी एसयूवी है ना, तो ऐसा मतलब इसको कहीं भी ले जाओ, इसको कैसे ही चला लो, किसी को अगर लग भी गई तो अपना तो कुछ जाना नहीं। प्लास्टिक का सारा बम्पर है काले रंग का, कुछ इसमें स्क्रैच वगैरह लगेंगे नहीं। और किया वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, उनके बम्पर बम्पर पे वो लगा जाए तो क्या फायदा। तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं भाई सोहना, SOHNA सोहना। ये सोहना कुछ ऐसा दिखता है भाई, आप सभी लोग देख लो एक बार। ये सोहना से पहले जखोपुर गांव पड़ता है, कोई भी कहीं से निकल जाता है, रिक्शे वाले हो गए या कोई भी कहीं से भी आ जाते हैं। खैर अभी हम लोग भाई ये अपनी गंदी सी गाड़ी उठा के लेके जा रहे हैं गंदे से आदमी को, जो कि काफी दिन बाद आया है। मतलब भाई मैं क्या बताऊं आपको, ये शादियों में तो बहुत लोग जाते हैं, एक दिन दो दिन हफ्ते भर 10 दिन, लेकिन ये बंदा करीबन 20-25 दिन बाद आ रहा है। इतनी लंबी शादी में तो कोई अपने वहां भी नहीं जाता। अगर कोई मान लो यहाँ गुड़गांव रहता है और वो केरला में उसकी मम्मी पापा उसका ब्याह कर रहे हैं, वो भी इतने दिन के लिए अपनी शादी में नहीं जाएगा जितने दिन के लिए हमारा भाई आकाश पवार अपने दोस्त की बहन की शादी में चला गया। दोस्त की शादी हो तो मानी भी जाए भाई थोड़ी बहुत, भाई दोस्त की बहन की शादी में कौन इतने दिन जाता है। रवि तू जाता है क्या? नहीं भाई, मैं भी नहीं जाता भाई, पर चलो कोई नहीं, उसी से चल के पूछते हैं क्या क्या हमारे लिए लेके आया है बिहार से, और बिहार कैसा उसको लगा, बिहार का एक्सपीरियंस पूरा हम उससे लेंगे। तू कहाँ पे है भाई? मैं इधर ही खड़ा हूँ, सोहना में खड़ा हूँ, सारे में बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे खड़ा है क्या? बस स्टैंड पे किधर साइड? बस स्टैंड के सामने। अच्छा क्या कर रहा है? अरे भाई, अरे भाई मैं आ गया सोहना में ही हूँ। भाई पहले तो माइंड योर वर्ड्स प्लीज, माइंड योर वर्ड्स। आई विल एक्सपोज यू। तेरे को एक्सपोज कर दूंगा होश में। देखो भाई फोन गाड़ दिया, देख रहे हो कितना गुस्सा, देख रहे हो भाई अपने यहाँ आके तो लोग खुश होते हैं, ये बंदा गुस्सा कर रहा है। बताओ कैसे कैसे प्राणी है हमारी दुनिया में, हमारी धरती पे किस किस को हम पानी पिला रहा है हमारा नेचर। कैसे कैसे लोग है यार बताओ, इतना छो। अभी तो लाइव देखना, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जरा उसको लाइव मिलवाता हूँ। अब सोहना आ गए हम बस स्टैंड पे भाई, अब ढूंढते हैं उसको कि कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ढूंढो, जरा ढूंढो कहाँ पे है रवि। वो इको में आया है, वो इको में आया है। ओ ये क्या है? अरे अरे ये कटने वाला कौन है ये? अरे ये कौन है? इसके यही पे बुला लो, इसके तो या अपने सामान खुद भर लो और अपना आ जाओ, हम नहीं जाएंगे उसका सामान उतरवाने। या चले क्या? और क्या, अरे यार खुद आ जाता। देखो वो क्या बोल रहा है, देखो लगा ले तो सीधे। भाई देख रहे हो, भाई इसको देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? देखो कैसे फोन पे कितनी बदतमीजी कर रहा था, और अभी देखो कैसी बदतमीजी कर रहा है। और ये देखो क्या ले आया है, क्या ले आया है इसमें? कपड़े लेके गए थे क्या गट्टों में? क्या देखा? आप देख रहे हो, देख रहे हो ये मेरे से बड़ा है तो क्या हो गया, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो चलो कोई नहीं, मैं तो ये लेके चले जाऊंगा भाई। ये बहुत भारी है भाई, हम शादी में तो थार लाने में तो काका किया, लेकिन थार कहने ना आए हो एक ना, हम शादी में से नहीं आए, आप शादी में से आए हो तो आप हमारा सामान हो गए। थार काई ने लाया होए, अबे मैं कहां तू यहां में सामान धरे और कहां बैठे हो यहां में तू? भाई देख रहे हो भाई आपको कितना भोला दिखता है ना, ये वीडियोस में इतना है नहीं, देख रहे हो कितना गुस्सा कर रहा है। जब 2 घंटे से खड़े रहे ना तब गुस्सा कहां है? क्या हुआ
भाई वो मार रो रहा है भाई यहाँ पे देखो थाना भी है, यहाँ पे थाना शहर सोना है, इतना नहीं करते इधर तो फोटो खींचते हैं जब हम यहाँ के रहने वाले हो तो उतना पढ़ो बढ़िया सही है करो करो चलो भाई हम उठो। ओ माय गॉड अरे क्या ले आया तुमने तो ना ना मत रखवाओ भाई चलो भाई रखवा दो चलो देखो भाई हमारे सब्सक्राइबर भाई कितने अच्छे होते हैं यार कितना काम करवाते हैं थार की वजह से मोना वहाँ गुड़गांव में सुभाष चौक पे लिफ्ट दे रही और थार की वजह से ना दी थार में भाई थार में इतना सामान नहीं आएगा सब्सक्राइबर है देवी ठीक है तू पहचान लियो हाँ मैं वहाँ खड़ा हूँ इनका टन लेके भाई इतना सामान आकाश की तो बेइज्जती करती भाई वहाँ तो कैसे लाए दूर से कैब करके भाई रिचनेस देख रहे हो इनमें आलू है टमाटर है क्या चीज है आम बिहार के आम खिलाएगा क्या माँ के नटबोल्ट बड़े इसके गर्मी के कारण सोना कितना अच्छा शहर है यार मतलब देखना कितना अच्छा है बरगद के पेड़ हैं यार पुराने पुराने कितने अच्छे अच्छे आपे हैं देखियो सही है मतलब तो ब्यूटीफुल कौन कहता है थार में जगह नहीं है थार में स्पेस नहीं है देखना ऐसा कोई मेहनती लड़का चाहिए दिमागदार सब स्पेस बन जाता है देखना देखना कितनी मेहनत कर रहा है पहले ये लगता है फोटो काटने में देखो ना यार देख लग रहा ना लग रहा इसमें इतने इसमें इतनी है कल बस नहीं लगेगा भाई मैंने इसकी ज्यादा तारीफ कर दी इसको कट करना पड़ेगा ले जा रहा हूँ अंधाधुंध भरे जा रहा हूँ यार रुक तो लग ही जाएगा रुक अब आप पीछे बैठोगे चलो आ जाओ रवि कोई ना बस वालों रुक रहो ना टेम्पू रुक रहो क्यों तो भाई अभी आकाश आ गया है अब हम आकाश से पूछना चाहेंगे उसके बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आकाश इतने दिन आपने जो लगाए हैं आपको कैसा लग रहा है आप पहले सीट बेल्ट पहन लो चलो भाई इसकी शक्ल दिखाओ एक बार आगे से देखो इसकी शक्ल देखो थोड़ा देखने लायक शक्ल है मैं कैब में आया हूँ ना मुझे उसने बेल्ट लगवाई ना मेरे से भाई देखो हम पूरा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं देखो जो ट्रैफिक रूल्स है सोना शहर के सोना इतना अच्छा शहर है इतना बड़ा डेवलपिंग शहर है तो इधर हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे अब आप हमको बताओ बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बहुत अच्छा जैसा सोचते हैं बिहार को इतना बैकवर्ड सोचते हैं इतने गरीब सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ से तो लाख गुना बढ़िया लोग हैं वहाँ पे कैसे मतलब इतनी इज्जत देते हैं इतनी इज्जत ऐसे हाथों पे रखते हैं इतना प्यार हो भगवान भाई जब आप जैसे स्मार्टी को नहीं देंगे तो फिर हम जैसों को देंगे क्या मतलब वहाँ अगर कोई पहुंच गया तेल लगा ले वो ऐसे रखते जैसे पता नहीं कौन आ गया कितना खास इंसान इतना अच्छा। क्या ऐसे सोचते क्या खिला दें क्या पिला दें ऐसा क्या खिला दिया आपको और क्या पिला दिया आपका मैं तो हर मेन्यू बताऊंगा और क्या हमको सब चीज जाननी है हमारे व्यूअर्स को क्योंकि व्यूअर्स हमारे इतना इंतजार कर रहे थे कि आकाश भाई कहाँ रह गए आकाश भाई बिहार से कब लौटेंगे बिहार ऐसा क्या मतलब बिहार के लोग भी बिहार में इतने दिन नहीं रहते जितने दिन आकाश भाई अपने बिहार चले गए वो भी यहाँ पे 7-8 दिन की छुट्टी मना के उल्टे आ जाते हैं हरियाणा आप कितने दिन कैसे डट गए वहाँ पे मेरा मन लग रहा था वहाँ पे अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए अच्छा 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 तो भाई जब मन आपका लग जाता है ना किसी जगह पे तो फिर आप ज्यादा दिन वहाँ पे रुक जाते हो तो अभी कोई नो मोर क्वेश्चंस करने फिर आप आ क्यों गए ये तो बताओ आए क्यों आप? तुम लोगों ने नहीं तो मैं तो नहीं आ रहा नहीं हमने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी जोर जबरदस्ती अभी कॉल हिस्ट्री दिखाऊं तो तुम कहोगे कि अरे 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 पहले क्यों नहीं आ गए तो भाई ये तो ऐसे नटखटता करता रहेगा
छोड़ो इसको, इस पे ज्यादा ध्यान अब देते नहीं। भाई हम घर आ गए, ये तो कुछ अलग ही एट में चल रहा आजकल, मतलब हद है यार। सामान भी हमको कह दिए उतार लाओ, तो मतलब थोड़ी ना यार, ये क्या करे, अब आया है ना, नखरे तो करेगा दो चार दिन। अब देख रहे हो भाई, जो विदेशी बाबू बन जाते हैं उनके भाव कैसे बढ़ जाते हैं। खैर भाई सब मजाक था, मैं आपको बता दूं, अब भाई हम देखो शाम हो गई फिर से। हमारा जो बिजली वाला है ना, वो ऐसा है उसको पता ही नहीं कितनी वायर लगनी कितनी नहीं लगनी, उसने अब हमको सेम डे दोबारा चक्कर लगवा दिया यार, बड़ा आलस आता है। तो हमारा रोड बहुत खराब है अब हमको पता है भाई, मतलब मैं उसकी आपको हद बताता हूँ, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा उस बंदे को, मतलब अंदाजे एक अलग चीज होती है कि भाई एक आध बंडल बच गया आपका वायरिंग, मतलब कम पड़ गई। तो वो बंदे ने मंगवाए पता है कितने, 4 mm, 4 bundles मंगवाए भाई दोबारा से, 1.5 mm के और आपके 2.5 mm के 2 bundles फिर से, मतलब इतना 6 bundles का गैप कैसे आता है। वो भाई वही ऐसा कलाकार है, 26,000 rupees उस दिन लगा के आए हैं और आज पता नहीं आज कितने का बिल बनेगा। एनीवेज लेने चलते हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ कितना आज भट्टा बैठा दिया उसने। भाई वायर हमने खरीद लिया और यहाँ पे हमारे रवि भाई ने टिक्की और खिला रहा है, ये कह रहा था भाई मैं आपको सोना की फेमस टिक्की खिलाता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई खिलाता हूँ, तो खा के बताता हूँ मैं आपको कैसी लगी। पहुँच के भाई हम टिक्की काफ़ी स्वाद थी, क्योंकि रवि ने जो खिलाई थी ये देखो, इसमें हेवल्स वाले वो भी देते हैं आपको पॉइंट वॉइंट, और देखिए सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो 13 bundles पहले आए थे और ये कितने 6, ये 13 और 6 कितने रहे हैं बता बता बता, हैं 19 bundles लग गए भाई इसमें, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी में वो है क्या बोलते हैं उससे वायर, पूरे में वायर डलेगी ना, तो डेडिकेटेड डलवा रहे हैं पावर के लिए, कल को ईवी लेने लग गए तो यहाँ पे चार्ज तो कर लेंगे लगा के, इसलिए फ्यूचर को सोचते हुए भाई हमको बिजली की आवश्यकता है जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लड़का है वो सो लिया है। भाई कैसे हो, लोग पूछ रहे हैं आप कैसे हो, कैसा लगा आपको इतने दिन बाद फार्म का काम देख के? बहुत अच्छा लगा, कुछ बदला बदला दिख नहीं रहा है। हमने अच्छा करवाया काम, नहीं करवाया काफी। ये देखो इस लड़के की मैं बात कर रहा था भाई, मतलब 13 bundles लगने, मतलब 19 bundles लगने थे, 13 bundles लिखवा रहा था, ये हाल है बताओ यार इसके, क्या करे। और आज इसको फाइनल करके चले जाइए ठीक है, आज फाइनल कर देगा भाई ये, इसने कह दिया आज डन हो जाएगा ये। तो भाइयों अभी 7:30 बज गए शाम के, हैं पकड़ा ये अभी कर रहेगा ये, बिल्कुल खड़ा है तैयार कि कब ये लेके आए और कब मैं लगाऊं। सारे बंडल लगा दिए, सारे बंडल, पता कितने के आए तार, कितने के आए तार, ओए इलेक्ट्रीशियन गैस कर कितने के आए होंगे देखना इसकी नॉलेज। हाँ है 5,000 अच्छा 5,000 के 2 bundles टोटल, बता टोटल भाई 12,000। भाई लड़के को जेन्युइन नॉलेज है भाई, ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रीशियन छोरा एक नंबर है, जो फॉल सीलिंग में वो करते 12,250 rupees के एक्यूरेट आए हैं, लड़के ने सही बता दिया। वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया, लड़के को पूरी पूरी नॉलेज है, कमीशन भी तो लेगा वो दुकान वाले पे जाके, इनका ऐसा रहता है भाई सारा कुछ पता रहता है। चलो उनका तो डिनर बनने लग गया है भाई, इन मिस्त्रियों का, ये देखिए अभी डिनर बनाएंगे फिर गेट वेट चढ़ाएंगे, आपको दिखाते हैं अपडेट्स। वीडियो देखने के बाद थैंक यू सो मच।